जिस तरह से अभिनेता अनिल कपूर अपनी फिल्म नायक में भेष बदलकर अपनी व्यवस्था का जायजा लेने निकल पड़ते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ गौरीकुंड में। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की, जिन्होंने कुर्ता पजामा पहने पीठ पर बैग टांगते हुए काम यात्री बनकर केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग से गौरीकुंड में यात्रा के लिए हुए सभी इंतजामों को चेक किया, जहां पर उन्हें काफी खामियां भी मिली और चौकी पोस्ट संभालने वाला इंचार्ज तक वहां पर नहीं था, जिस पर डीएम ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए उस इंचार्ज को गौरीकुंड चौकी से हटाते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बता दें कि डीएम 9 जून की रात को अपने प्राइवेट वाहन से सोनप्रयाग पहुंचे और यहां से वे लोकल वाहन से गौरीकुंड पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद देर रात 1 बजे घोड़ा पड़ाव पर गए, जहां पर उन्होंने देखा कि सुरक्षा जवानों के वहां पर ना होने की वजह से व्यवस्था बिल्कुल ही गड़बड़ाई हुई थी और घोड़े खच्चर भी रास्ते पर ही खड़े हुए थे, जिससे वहां पर काफी लंबा जाम लगने में भी देर नहीं होती थी और इसी वजह से वहां पर आने जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों ने और खच्चर चालकों ने भी पुलिस की इस अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट से वहां की हर दिन की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ SPN से पूजा की रिपोर्ट।